करनाल के नजदीक गांव उचानी में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह व्यक्ति शराब पीकर सोया हुआ था, किन्हीं कारणों के चलते इसकी दम घुटने से मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मृतक व्यक्ति के परिजनों ने बताया कि रात के समय वह शराब पीकर सोया हुआ था, तो किन्हीं कारणों से इसका दम घुटने से इसकी मृत्यु हो गई, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम से पहले मृतक व्यक्ति का कोरोना टेस्ट कराने की बात कही है, जिसके बाद मृतक का पोस्टमार्टम करवाया गया एवं शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। वहीं इस हादसे से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। नमस्कार, समाचार एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीति काद्यान। एक मामला करनाल का उचानी का, करनाल के उचानी का हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें एक व्यक्ति रात को शराब पी के सोता है और सुबह उसकी मृत्यु हुई मिलती है। उनके परिजन हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या कुछ मामला था। आप परिजन के क्या हैं? मैं बड़ा भाई हूं उसका। तो कैसे, क्या हुआ जी? ये पी रही थी, मंदा पाया जिस बेरी हमने तो मरे मिला जी। हाँ, शादीशुदा है जी, एक लड़की है जी 5 साल की। उसके घर वाले का पहले इतलाक हो गया था 4 साल पहले। अच्छा, तो अभी क्या कार्रवाई चल रही है? अभी क्या कार्रवाई क्या जी, पुलिस वाली बात देख रहे जी, पोस्टमार्टम के लिए आएंगे। पोस्टमार्टम के लिए? हाँ जी। आप? मैं आपका ब्रदर हूँ जी। आप उनके ब्रदर हैं? हाँ जी। आप छोटे हैं? हाँ, मैं इनसे छोटा हूँ, वो मेरे से छोटा था जी। अच्छा, आपका क्या नाम? बस ये वो समझाते थे, नहीं समझता था जी, मैं तो पहले भी समझाता था उनको भी दारू ना पिया करो, मेरी मानते नहीं थे। फिर आप पोस्टमार्टम मतलब क्यों करवा रहे हो? पोस्टमार्टम तो नहीं, मतलब सरकारी में आ गए थे तो उन्होंने कहा भी करानी पड़ेगी पोस्टमार्टम, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। तो फिर वहाँ चलो भाई, इस करके भी कराना पड़ गया क्योंकि जो भी आगे उसको जन्म प्रमाण वो उसके लिए भी कराना पड़ेगा, डेथ सर्टिफिकेट के लिए भी, इस करके। और तो कोई दिक्कत नहीं थी वो तो जो। हाँ जी, हम सुबह घर पे गए ना, जब ये हमें मरा मिला जी, और ये रात को दारू पी के कुछ ज़्यादा ही पी ली होगी इन्होंने, और सुबह जब नहीं उठे थे, ऊपर गए, ऊपर सोया हुआ था चुबारे में, तो नहीं उठे, देखा अभी अभी तक क्यों नहीं उठे हैं, तो जैसे ही हमें उसको कपड़े हटा के देखा तो उसमें सांस नहीं थे, तो थोड़ा गर्म था शरीर, तो गाँव वाले डॉक्टर को दिखाया, बोला शहर ले जाओ आप। मैं चलो देख लेते हैं अगर सांस है तो। इन्होंने मरा हुआ घोषित कर दिया जी, ये बोले मोर्चरी हाउस में ले जाओ, पोस्टमार्टम होएगा इसका, आप ऐसे ले कर ही जा सकते। कह रहे अगर आप ऐसे ले कर जाओगे तो आपके पास ऊपर पुलिस कार्रवाई हो जाएगी। अब देख रहे हैं जी पुलिस कब आएगी, कब अपनी कार्रवाई करेगी, कब हम शव को ले कर जाएंगे यहाँ से। क्या नाम था? नरेंद्र था जी उनका। तो ये मृतक के भाई और उनके कुछ परिजन हमारे साथ थे, इन्होंने जानकारी दी कि वो रात को शराब पी के सोए थे और सुबह जब इन्होंने देखा तो उनका मुंह नीचे की तरफ था, उनकी नाक थोड़ी मुड़ी हुई थी, यानी कि दम घुटने से उनकी मौत हुई है। जब पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो पुलिस ने इनको कहा कि पोस्टमार्टम होना ज़रूरी है। कैमरा वीडियो जर्नलिस्ट सनी चौधरी के साथ मैं प्रीति काद्यान, नमस्कार। खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.